आज कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? तहाल फैसला ना हो सका। इत्तेहादियों के दिए नामों पर मुशावरत के दौर अब भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान हतमी बैठक आज लगेगी। दोनों किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में होगा। पंद्रहवीं कौमी असम्बली ने एक सदर, दो वज़ीर-ए-आज़म, दो स्पीकर मुंतखब किए। अदम एतमाद के जरिए कौमी असम्बली ने एक वज़ीर-ए-आज़म को हटाया। कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ दौर में नए रिकॉर्ड भी बनाए। तेज तरीन कानून सासी की असम्बली जाते जाते भी धड़ाधड़ कानून मंजूर करती रही। कई बिलों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अलविदाई खिताब करेंगे। वफाकी काबीना का आखिरी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में फोटो सेशन भी होगा। आज सदर को असेंबली तोड़ने की समरी भेज दूंगा, खुदा जानता है फिर किसने आना है। चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके मुल्क में इंतखाबात हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीबीए, एपीएनएस और सीपीएनई के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। मसीद कहा दोनों को चोर डाकू कहने वाले आज खुद जेल में हैं। बुरे वक्त से डरना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी मकाफाती अमल है। चोर डाकू के बयानी ने हर तरफ तबाही मचाई। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार। NA 45 कुरम की नशिस्त से डी सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63(1)(h) के तहत नाअहल करार दिया। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए।